मानव शरीर की पल्स की दर दिल की फंक्शन जांचने के लिए किया जाता है हृदय की धड़कन की गति अनुकंपी तंत्रिका से बढ़ जाती है कौन सा हृदय की गति के संदर्भ में सही है तो हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों को खुलने और बंद होने के कारण होती है लपडप की ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन उसी दर पर करती है जिस दर पर हृदय करता है विलियम हार्वे वह वैज्ञानिक था जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी पेशमेकर का कार्य हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना होता है दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो ऑक्सीजन से भरी हुई हो होती है अशुद्ध रक्त का संचार इनमें से पल्मोनरी धमनी द्वारा किया जाता है इनमें से फुसफुस सिरा वाहिकाएं जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है रक्त प्रवाह से हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है क्योंकि रक्त के प्रवाह से बाधा उत्पन्न होती है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं धमनियों की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को दाब यानी बीपी कहते हैं जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब यानी बीपी घट जाता है एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्त एक सौ बीस अस्सी एम होता है इस फेग्मो मैनोमीटर की उपयोग रक्तचाप यानी बीपी नापने के लिए किया जाता है इस फेग्मो मैनोमीटर धमनियों की रक्तदाब को मापा जाता है मनुष्य में सामान्य फास्टिंग रुधिर शर्करा प्रति सौ एम रुधिर में 80 से 100 एम होता है रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 एमजी एम परसेंट होता है मानव वयस्क में शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है नवजात शिशु में लगभग 300 सौ हड्डियाँ होती है मनुष्य की खोपड़ी में आठ जोड़ी अस्थियाँ होती है मनुष्य के शरीर में पसलों के बारह जोड़े होते हैं मनुष्य में मेरुदंड से इकतीस जोड़ी तंत्रिका निकलती है मानव स्पाइनल कॉलम तैंतीस हड्डों से मिलकर बना होता है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या बीस होती है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर होता है मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि इनमें से उर्वास्थि है यानी फीमर मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान वाले भाग में होता है स्टेपीस